वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपसे अम्ब्रेला पाम को कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी। देखिए, जब भी हम किसी प्लांट की कटिंग काटते हैं तो उसको ऐसे करके स्टेप से काट लेते हैं और उसको हम ऐसे सीधा लगाते हैं पानी के अंदर। अगर पानी में लगाना तो पानी में ऐसे लगाते हैं, सॉइल में लगाना तो सॉइल में ऐसे लगाते हैं। लेकिन अम्ब्रेला पाम के साथ क्या है कि जब हम इसकी कटिंग हमें लगाना है तो इसकी पत्ती को उल्टा ऐसे पानी के अंदर रखते हैं। ये देखिए, ये इसको हमने काटा है पहले से, मेरे पास दो और हैं ये कटिंग। और ये इसको क्या करेंगे, हम ऐसे उल्टा पानी के अंदर ऐसे रख देंगे। ये देखिए, ये 3 हफ्ता पहले की रूट है, डेवलप हो गई है। ये जब मैंने ये अम्ब्रेला पाम की केयर के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उस टाइम मैंने ऐसे प्रोपोगेट करके इसके ऊपर जो है इसको इसके अंदर रख दिया था और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को मेरे देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अम्ब्रेला पाम की केयर कैसे करनी है। पहले 3 हफ्ता पहले इसको पानी में ऐसे रख दिया था तो इसमें ऐसे रूट डेवलप हो गई। और मैं क्या करती थी कि इसका पानी हर 3 दिन पर चेंज करती थी। तो 1 हफ्ते के बाद तो मैंने देखा ये रूट इसमें आ गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसमें छोटे छोटे ऐसे शूट निकल रहे हैं। ये देखिए, ये अम्ब्रेला पाम के छोटी छोटी पत्तियां मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे ये शूट आ रहे हैं ये सब में। तो अब ये एक जो है पौधा एक एक तैयार हो जाएगा। मैं आज इसी को आपको लगा के कैसे लगाना है, किस तरह की सॉइल में लगाना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास, ये देखिए, ये जो कुछ सीड निकल रहे हैं ये नीम की जो सीडलिंग मैंने 1 हफ्ता पहले नीम को प्लांट को कैसे घर में ग्रो करना है मैंने इसकी सीडलिंग लगाई थी। आप देखिए 1 हफ्ते में ही कितनी अच्छे से ये जर्मिनेट हो गए, 2-2 पत्ती आ गई। और ये देखिए एक टाइनी सा छोटा सा निकल रहा है। और मैंने ये देखा कि ये जो यहाँ पे मिट्टी है ना, इसके अंदर भी एक छोटा सा, ये देखिए, ये भी कल सुबह तक ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान है घर में किसी भी सीड को जर्मिनेट करना और कटिंग को लगाना। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जो वीडियो मैंने नीम प्लांट की सीडलिंग की बनाई थी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नीम की सीड से नीम के प्लांट को कैसे घर में ग्रो करना है। तो मैं अब इसको यहाँ रखती हूँ और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको क्या किया। जब मैंने इसको ऐसे कट किया 3 हफ्ता पहले तो ऐसे पानी में ये रखा रहा और मैं पानी तो इसकी चेंज करती थी 3-3 दिन पर। उसके बाद अब देखिए ये 3 हफ्ता हुआ, ये इतना आ गया है। अब चलते हैं इसकी हम सॉइल कैसे जो है तैयार करनी है वो बताते हैं आपको। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे ये 3 मेरे बेबी प्लांट्स इसमें आ गए हैं और अब मैं इसे लगा रही हूँ आपके सामने। देखिए इसकी सॉइल, ये वही मिट्टी है जो हम पॉटिंग सॉइल के लिए अपने तैयार करते हैं। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा इसमें खाद। ये देखिए, मैंने ये मिट्टी हमारे पास पहले से तैयार थी और ये थोड़ी सी मॉइस्ट भी है, तो अब मैं इसी में एक एक करके लगा रही हूँ। जैसे हमने इसे बताया कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद रखना है। इसमें आप अगर इसमें थोड़ा कम भी सैंड रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट को ऐसी मिट्टी चाहिए जो वाटर को होल्ड कर सके। क्योंकि जैसे ही मैंने पहले ही आपको पिछले वाली वीडियो में बताया है कि ये प्लांट अम्ब्रेला पाम मार्जिनल प्लांट है, पानी के किनारे जैसे तालाब या झील के किनारे ये प्लांट अच्छा बहुत अच्छे से चलता है। तो ये हम अगर उसी के किनारे ये बहुत अच्छा ग्रो होता है, तो जब हम मिट्टी बनाएं तो उसकी नेचर का ख्याल रखें। हाँ, पॉट में है तो थोड़ा पोरस मिट्टी हमें रखना है, इसलिए हम थोड़ा सैंड का परसेंटेज इसमें डाल सकते हैं। और अगर सैंड थोड़ा रहेगी तो जो मिट्टी जितना पानी लेना है प्लांट को वो ले लेगा और एक्स्ट्रा वाटर इसके नीचे से निकल जाएगा, तो इसमें रूट रॉट भी नहीं होगा और फंगल इन्फेक्शन इस प्लांट को होने का डर रहता है तो वो भी नहीं होगा। इसकी मिट्टी को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसकी मिट्टी को हटा लिया और इसको मैंने जो है ऐसे करके, देखिए इसकी रूट को ही हमें नीचे रखना है। ये ज़्यादा हम इसके, ये जो शूट नया प्लांट आ रहा है इसको मिट्टी के अंदर ज़्यादा नहीं दबाएंगे। ये देखिए, बस इतना सा हम, ये जो इतना सा ये ऊपर रहेगा ये पार्ट, सारी रूट को हम मिट्टी से कवर कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा उंगली से हम ऐसे दबा देंगे। इसी तरह हम 3 प्लांट को अपने लगा लेते हैं। इसकी थोड़ा मिट्टी हटा लेंगे इसकी भी,
और इसको भी हम लगा लेते हैं। हमने और हटा लिया और जैसे क्या है कि ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अब जैसे ये इसमें छोटा पड़ रहा है तो इसकी हम जो है और ये जो ये पत्ती पुरानी वाली है उसको निकाल लेंगे। अब रूट इसका रहने देंगे, रूट और ये इसको ऐसे सेंटर में करके और इसको भी निकाल लेते हैं। ये इसको भी निकाल लेंगे हम और ये देखिए इसके अंदर बस मिट्टी इतनी डालेंगे कि सिर्फ रूट कवर हो जाए। ये और इसको ऐसे दबा देंगे। इसी तरह हम इसको भी लगाएंगे, इसकी भी थोड़ी मिट्टी हम हटा लेते हैं और इसका भी हम ये एक्स्ट्रा पत्ती है सारे जो है हम निकाल लेते हैं। ये देखें, अरे ये तो एकदम से अलग ही हो गया। देखिए ये भी मेरा ग्रो हो जाएगा, चाहे तो हम इसको अलग सेपरेट पॉट में लगा लें चाहे इसी में रहने दें। कितना प्यारा है, देखिए एक पूरा प्लांट ये इसमें रेडी हो जाएगा। इतना बड़ा देखिए, ये जितना बड़ा हमारा ये गमला है इतना इतने से तैयार मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कितना मतलब आसान है। इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी हाँ, और मैं फिर इसकी अपडेट 2 हफ्ते के बाद आपको दिखाऊंगी। ये 3 हो गया, इसकी भी मैं स्टेम काट देती हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है इसमें। ये 3 प्लांट मेरे रेडी हो गए हैं। तो अब देखिए कि इन तीनों को हम इतना पानी देंगे कि बस इसकी मिट्टी नीचे तक गीली हो जाए और ये आज पहली बार इसका पानी नीचे से निकलने लगे। ये देखिए देखिए, ये पर्पल ग्लास भी मेरा है और जिस पॉट में ये रूट के लिए मैंने रखा था रूटिंग के लिए वो भी पर्पल कलर है। तो अब इसको भी पानी दे दूँ, मैं इसके बारे में बताती हूँ। पर्पल कलर मेरी छोटी बेटी सुमैया को बहुत पसंद है, तो मेरे घर में हर चीज़ पर्पल कलर की है, तो मैं ग्लास भी पर्पल कलर का यूज़ करती हूँ कि उसको अच्छा लगता है ये कलर। ये देखिए ये छोटा छोटा है, तो मैंने इतने 2-2 इंच के 2.5-2.5 इंच के पॉट में रखा है, लेकिन जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा 3-3, 4-4 इसमें ब्रांच आ जाएगी, 1 महीना तक में इसमें 3-4 ब्रांच आ जाएगी और ये 4-4, 5-5 इंच का हो जाएगा, तब मैं इसे 5 इंच के 6 इंच के गमले में लगाऊंगी। तो आप जब भी किसी प्लांट को एक पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट करें तो ग्रेजुअली करें, एकदम से बड़े पॉट में मत करें, तो उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। आप ये देखिए, आपको ये एक एक स्टेम दिखाई दे रही है ना, और 1 महीने में ये 3-4-5 जब स्टेम आएगी और थोड़ा और जाएगा तो ये पूरा गमला जो है भर जाएगा, छोटा सा इतना प्यारा सा। आप इसको चाहें तो इसी में रहने दें और किसी टेबल पर अपने डेकोरेशन वाली प्लेस में किसी अच्छे पॉट के अंदर ऐसे करके रख दें तो ये वैसे भी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये पानी हमने जो दिया है ये नीचे से अब निकल रहा है, क्योंकि मिट्टी में हमने सैंड भी थोड़ा मिलाया है, पोरस है और पानी इतना दिया है भरपूर कि नीचे से निकलने लगे। तो ये मैंने जो है आपको आज अम्ब्रेला पाम की कटिंग से कैसे पौधा ग्रो करते हैं उसके ऊपर पूरा बता दिया। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली की डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।